व्यक्ति को समय का इंतजार कर। सबने समय का इंतजार किया, समय पहले कुछ नहीं होता है। अगर कर दिया जाए तो आपको विश्वास नहीं होगा। इसलिए जितने भी परिवर्तन करने आए, जो भी शक्तियां आती जाती रही, जब लोगों ने उनको पहचाना नहीं, लेकिन वो अपना काम करके ही गई है। बिना काम किए कोई नहीं गया। वो आपत्ति, मुसीबत, संघर्ष या फिर कुछ भी उठानी पड़े, लेकिन उनके उस परिश्रम त्याग संघर्ष को याद रखना चाहिए। चले तूफान या आंधी, उन्हीं से हो लेना है। जरा को धर्म का दीपक, जगत को ज्योति देना है, यह संकल्प है। आज का संकल्प कुछ और दे रहा है। तुम हमें सहयोग दो, मैं तुम्हें व्यवस्था दूंगा। यह है समृद्ध वाली की पुकार, यह उनका आवाहन एक धार्मिक धारा पर है। धीरे 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 वो समय आता जा रहा है जब उनके बच्चों को साफ साकार रूप में आप देखेंगे। अब ये जरूर है समय के पहले माँ अपने आवाज लगा देते हैं और आप उस समय को जानते नहीं हो तो तुमको शंका सुनने भूल भ्रम पैदा होता। उनके वचनों में कभी बनावट नहीं होती है, कभी स्वार्थ की झलक नहीं होती है। वो सेवा धर्मार्थ परमार्थ ही इस भारतीय वसुंधरा पर आते हैं और अपना संकल्प पूरा करते जाते हैं। तुम समझो ना समझो, तुम्हारे समझने न समझने से उनका काम रुकने वाला नहीं है। अगर समझ जाओगे, जाग जाओगे, चेत जाओगे तो इतिहास में नाम लिख जाएगा। जिस महापुरुष ने यह आह्वान किया, तुम सब हट जाओ फिर भी मैं अपना काम करके दिखा दूंगा। जिस महापुरुष को हमारी तुम्हारी जरूरत आवश्यकता ही नहीं और काम करके दिखा सकता है, उसे आप इंसान समझते हो? अरे वो इंसान है कि भगवान का भगवान है। जितना इतना बड़ा संकल्प जो भूते न भरी सके, इस धरती पर किसी ने ऐसा संकल्प नहीं लिया है कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। पहले इस रहस्य को समझो, कलयुग में कलयुग यानी ये कलयुग कलयुगी लोगों में जिनके अंदर स्वार्थ लोग लालच ममता भरी है, पद लालुकता भरी है, कहा उनको कलयुग समेत के ले जाएगा और बाकी बचे लोग सतयुग में आ जाएंगे। प्रेमी और सतयुग मारे व्यवस्था। अगर हमारी आपकी आंखें सत्य देखने लगे, कान सत्य सुनने लगे, बारी सत्य बोलने लगे, इसी को कहते हैं, और पैरों से सच्ची जगह चल के जाने लगो, हाथों से सत्य धर्म सेवा सत्कर्म करने लगो, मन से अच्छा संकल्प विकल्प करने लगो और बुद्धि से सच्चा निर्णय लेने लगो, प्रेमियों इसी को कहते हैं सतयुग। सतयुग माने व्यवस्था। ऐसी व्यवस्था का संकल्प है जो यहाँ कोई इंसानी शक्ल पूरा नहीं कर सकती है। बाबा जी ने क्या कहा था? कहा मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। कोई मारी कानून हमको परिवर्तन से रोक नहीं सकता, न मेरा काम कोई कर सकता है, न हमको अपने काम से कोई रोक सकता है। ये छोटा मोटा चैलेंज पूरे भूमंडल पर चैलेंज है। मेरा काम कोई नहीं कर सकता,
न अध्यक्ष न मंत्री न वक्ता न नेता कोई काम नहीं कर सकता है। तो कौन सा काम? मैं कलयुग को भगाऊंगा, सतयुग को लाऊंगा, सबको न्यास रचा, रोजी रोटी की व्यवस्था बना के दूंगा, सबको शाकाहारी बनाऊंगा, सबकी जीवात्मा को जगाऊंगा, परमात्मा से मिलाऊंगा और अपने जगाए नाम जहाज पर बैठा कर इन जीवात्माओं को इनके घर पहुंचाऊंगा, जिसमें शरीर और आत्मा दोनों व्यवस्था का वादा किया है। इधर सुख शांति, उधर जीवात्मा का उद्धार, दोनों का। ऐसा भूमंडल पर कोई आया जो दोनों तरफ का काम करते? जिनको भगवान कहते हो, चाहे त्रेता के राम, द्वापर के कृष्ण, उन्होंने केवल समाज की व्यवस्था को ठीक करने के लिए कितनी हत्याएं की, कितना खून खराबा किया, तो वो केवल समाज का शुद्धिकरण कर पाए, यानी धर्म की स्थापना, दुष्टों का संहार और भक्तों की मदद। लेकिन आज का समर्थ मालिक क्या कह रहा है? मैं वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया का सुधार करूंगा और जीवात्माओं का उद्धार करूंगा। ये दोनों काम का वादा है। आपको तो सोचना चाहिए, चोर डकैत को गोली मार देना सुधार नहीं, संहार है, लेकिन चोर डकैत को साधु बना देना ये सुधार है। इसी रूप में यूं देर हो रही है, उनकी तरफ से कोई देर नहीं, दो तुम्हारी तरफ से, तुमको समझने में, जागने में, चेतने में, होश में आने में, खड़े होने में देर है। कहा था मैंने परिवर्तन का पूरा मसाला बना के तैयार कर रख दिया, जिस दिन तुमको उसके काबिल देखूंगा ये सब छोड़ दूंगा। लेकिन समस्या इस बात की है, ये सेहरा किसके सिर पे बांधा जाए? अभी तो कोई ऐसा नहीं निकला। जब एक छोटी सी परीक्षा ली गई, सफल निकले बेचारे। प्रेमियों, गुरु नानक देव जी महाराज के नाम सुना होगा, सिखों के प्रथम गुरु थे। जब उनके 44 शिष्य हो गए, गुरु नानक जी को चिंता हो गई कि शिष्यों की संख्या तो बढ़ती चली जा रही, इसमें मेरा सच्चा आशिक, मेरा सच्चा प्रेमी, मेरा सच्चा भक्त, मेरा सच्चा फॉलोअर, जो मेरे पर हर वक्त कुर्बान रहने वाला है, वो कौन है? उसकी पहचान के लिए उन्होंने परीक्षा किया, तैयारी की, परीक्षा की। तो संगत से कहा, कल पूरी संगत आए कि मैं एक आवश्यक समाचार दूंगा। जब सवेरे संगत आ गई, उन्होंने रात में तैयारी कर ली, एक झोपड़ी बनाई, झोपड़ी में एक तरबूज का फल रखा और एक बकरे को बंद किया, एक तलवार रखी और एक बाल्टी लाल रंग पानी भरवा के रखवा दिया। जब संगत सवेरे आई, गुरु नानक देव जी महाराज ने फरमान जारी किया, कहा हमको सर्व लाइन से खड़े हो जाओ। जब सर्व लाइन से खड़े हो गए, तब कहा हमको सर चाहिए सर। ये आवाज जो सुनी तो सबसे आगे जो प्रेमी खड़ा था बड़ा खुश हुआ कि आज गुरु कितने मेहरबान हैं। अगर गुरु की खुशी में मेरा सर लग जाए, मेरा मन और जीवन सार्थक हो जाएगा। क्योंकि गुरुवाणी क्या कह रही, शीर्ष दिए गुरु मिले तो भी सस्ता दान। अगर सच्चा गुरु परमात्मा से मिलाने वाला, सुख शांति देने वाला, लोक परलोक बनाने वाला, अगर ऐसा सुमृत गुरु मिल जाए, उसके मिलने में अगर सर चला जाए, तो ये सस्ता सौदा, सौदा सस्ता है, ये जीवन तो सार्थक हो जाएगा। प्रेमियों, जो पहला आगे प्रेमी खड़ा था, वो निसंकोच खुशी के साथ अंदर चला गया झोपड़ी में। वहां पहले से प्रेमी को बैठा के रखा गया था। उस प्रेमी ने तलवार उठाई और तरबूज पर मारी, तो खच की आवाज हुई,
बकरे का कान मीठा मेह की आवाज किया, एक लोटा लाल रंग पानी जब फैला दिया बाहर निकल के आया और संगत ने देखा, अरे इसका तो काम हो गया। प्रेमियों ऐसे एक दो तीन चार पांच, जब छठे का नंबर आया गुरु ने गोजी ने फिर कहा, हमको सर चाहिए सर, एकदम भट्टर मत चाहिए, कोई नहीं टिका, सब भड़खड़ हुई। तो जब उनका इतिहास लिखा गया तो पंच प्यारे पांच प्यारों का इतिहास, 4400 शिष्यों में पांच प्यारे निकले गुरु के, बाबा जयपुर गोजी महाराज के, यानी 45 करोड़ चेहरों में एक भी प्यारा नहीं निकला गुरु का। कोई दौलत का प्यारा, कोई गति का प्यारा, कोई जमीन का प्यारा, कोई मान सम्मान अधिकार पद का प्यारा निकला, लेकिन गुरु का प्यारा कोई नहीं निकला। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, सारे गुरु के इतिहास पर पानी फेर दिया तुमने तो, सारे संतों पर आपने कलम लगा दिया, सारे भक्तों को पर आपने कलंक लगा दिया, गुरु संतों की व्यवस्था को आपने कलंकित और झूठा कर दिया। प्रेमियों कितनी अहम समस्या है, बिना परिचय के भेदों के सब परीक्षा ही नहीं दिया। कहा तो था ये कि आगे यहाँ खराब समय आ रहा, ऐसी नाजुक स्थिति बना के खड़ी कर दूंगा, फिर एक छोटी सी परीक्षा लूंगा, छोटा सा खेल खेलूंगा, मेरे खेल परीक्षा को देखकर तुम भ्रमित मत हो जाना और भजन करके मेरा इंतजार करना। आपने गुरु बच्चों को माना, गुरु आदर्शों का पालन किसी ने इंतजार किया? एक मिनट भी इंतजार नहीं किया, एकदम भजन बचते, कोई डर भर गया तो डर भर गया, कोई डर भर गया, गुरु की शरण में कोई नहीं था। जब आपको तो ये मालूम होना चाहिए, गोस्वामी जी महाराज ने राम चरितमानस लिखा, उत्तरकाल में पहले उन्होंने इशारा कर दिया कलयुग के जीवों के लिए कि गुरु बिन भाव निधि तरण कोई, और जो भी रांची शंकर सर्व होई। का ब्रह्मा विष्णु महादेव के समान धनवान बलवान कीर्तिमान यशवान कोई को न बन जाए, लेकिन ये भवसागर पार करना बिना गुरु के कोई नहीं जा सकता। वो तो गुरु के हवाले है, गुरु भवसागर का जानकार है, भवसागर से पार करने के लिए जीवों को नाम की नौका लगाई है और कहा है, इस नाम की नौका पर तुम बैठ जाओ, मैं तुमको तेरे घर पहुंचा दूंगा। इतना बड़ा संकल्प हमदर जी का इस मृत लोक मंडल पर किसी ने लिया ही नहीं है, जो बाबा जोगतो जी महाराज का है। और आपने उनको अपना गुरु भी बनाया, लेकिन जाना माना पहचाना कुछ नहीं, कोई पहचान गुरु के तुम्हारे पास नहीं है कि गुरु किसे कहते हैं, गुरु का काम क्या है, गुरु किस काम के लिए आता है, कौन काम करके ही जाता है। क्योंकि बाबा जी ने कहा, मैं कलयुग का ऐसा इतिहास बनाऊंगा, प्रेमी और सचिव प्रेता द्वापर के इतिहास बने, लेकिन कलयुग का इतिहास अभी नहीं बना है और कोई बना भी नहीं सकता। अगर इंसानी शक्ल में कहे कोई कि कलयुग का इतिहास बना दूं तो उसके बस की बात नहीं है। बाबा जी ने यही तो संकल्प लिया है, मैं कलयुग का ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूत ना भविष्य के सतयुग देवता द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास प्रारंभ हो जाएंगे। मैं ऐसा चमत्कार करूंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। कितनी बड़ी चीज, कितना बड़ा संकल्प और सबका लाभ है, सारे भूमंडल पर रहने वाले सब इंसानों के लिए जिसने लाभ का बीड़ा उठाया, संकल्प किया, प्रतिज्ञा किया है, आपको ये सारी जानकारी रखनी चाहिए। कितने परिचय आपको बाबा जी ने दिए, लेकिन तुम्हारी समझ में भी नहीं आया
इन्हीं हिंदुस्तान की सड़कों पर कितने बड़े बड़े काफिले जिनके अनोखे नाम जो 4 मई 1918 19 अप्रैल 1936 दिशाओं में दिखाई अनोखे नाम दिलकश काफिला कर्णा काफिला विलक्षण काफिला अद्वितीय काफिला ऐतिहासिक काफिला दूरदर्शी काफिला क्या ये नाम कहीं अन्य आपने पढ़े आज तक समझ में आया और अकेले नहीं एक एक लाख लोगों को साथ में लेकर कुछ 4,000 महलों के साथ 10,000 किलोमीटर 3-3 महीने लगातार 16-18 प्रांतों में घुमाया दिखाया सुनाया और समझाया और कराया लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। एक विभूषण नहीं है काफा जहां जहां मैंने काफिलों में पड़ाव डाला और मैंने मंच से जो संदेश दिया है जब तक ऐसा संदेश पूरा नहीं हो जाएगा मैं भारत के एक एक नागरिक से पूछ लूंगा मैं जनता में बड़े बड़े मंच लगवाऊंगा फिर भारत की जनता से पूछूंगा मैंने जो वादे किए हैं वो सब पूरे हो गए कि नहीं। जब भारत की जनता दोनों हाथ ऊंचा करके कहेगी कि बाबा जी सब कुछ हो गया तब ये बाबा मानने वाले हैं और तभी जाने वाले हैं। इसके पहले नहीं जाऊंगा। और क्या कहा था कहा मैं वो गांधी महात्मा नहीं जो चूक जाऊं। गांधी महात्मा चूक गए गोली के शिकार कर दिए गए लेकिन हमको मारने के लिए अभी सच्ची में कोई गोला बारूद तैयार नहीं न मुझे कोई मार सकता है न मुझे कोई धोखा दे सकता है न मुझे कोई धंधा सामान से खरीद सकता है मैं अपना काम करने आया हूँ काम करके ही जाऊंगा चाहे अपने काम को पूरा करने के लिए अगर जरूरत पड़ी तो इसी शरीर में 400 वर्ष रहूंगा और काम करके ही जाऊंगा। आपसे बोल गए क्या सब झूठ बोला गया क्या संत महात्मा झूठ बोलते हैं अगर संत महात्मा गुरु झूठ बोलेंगे तो भी सत्य कौन मानेगा। ये वचन तुम्हारे पास अगर होते तुमने संभाल के रखे होते रविवार कोई शंका सुनने भूल भूल की बात नहीं थी संत दरबार में शंकाओं का समाधान किया जाता शंकाएं बढ़ाई नहीं जाती है लेकिन आप संत दरबार में आए प्रवेश लिया और शंकाओं के शिकार बन के रह गए कुछ नहीं मालूम है बिल्कुल हकीकत का पता भी आपको नहीं है। इसलिए उस महापुरुष के कुछ अनमोल वचनों को सुन लीजिए क्योंकि आज गणतंत्र दिवस है। इस दिवस पर उस महापुरुष के वचनों को बताना और खोलना बहुत जरूरी है ताकि आप समझ सकेंगे ये तिथि मनाई क्यों जाती है ये किनकी है और किन लोगों की मनाई गई जिन्होंने अपने आप को देश को निछावर कर दिया अपने आप को कोई स्वार्थ नहीं कोई लोभ नहीं कोई लालच नहीं कोई पद का कोई राज का कोई मान सम्मान का कोई लालच नहीं है निस्वार्थ भाव से इस भारत भूमि के लिए इस भारत माँ की लाज रखने के लिए जिन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया। बाबा जी ने एक आवाज लगाई स्वामी जी की वाणी है कलयुग में सतयुग आएगा और जग में जय गुरुदेव का झंडा और लहर लहर लहराएगा। स्वामी जी की वाणी है कलयुग में सतयुग आएगा और जग में दे गुरुदेव का झंडा और लहर लहर लहराएगा। भारत भूमि की रक्षा लज्जा है बचारी संतों में भारत भूमि की रक्षा
लज्जा है बचाई संतों में, और लोक और परलोक बने ये युक्ति बताई संतों ने। होगा अखंड भारत ये फिर से, तब विश्व गुरु कहलाएगा। होगा अखंड भारत ये फिर से, तब विश्व गुरु कहलाएगा। और जग में जो ये गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। स्वामी जी की वाणी है, कलयुग में सतयुग आएगा। और जग में जो ये गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। जिस आजादी की नींव पर बैठो, वो आजादी हंसी मजाक खिलवाड़ में नहीं मिली। तमाम लोग कुर्बान हो गए, तमाम माताएं निपुति हो गई, तमाम बहनों का सुहाग लुट गया, तब आजादी का दर्शन हुआ था। आज उस आजादी को मुर्तिया बर्बादी की कगार पर खड़ा कर दिया गया। आजादी रो रही है, आंसू बहा रही है, न कोई पूछने वाला न कोई आंसू पूछने वाला है। आजाद भगत नेता सुभाष की कुर्बानी आज रुलाती है। आजाद भगत नेता सुभाष की कुर्बानी आज रुलाती है। माँ बहनों की यहाँ लाज लुट रही, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है? माँ बहनों की यहाँ लाज लुट रही, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है? गांधी जी के अधूरे सपने, गांधी जी के अधूरे सपने अब पूरे यही कराएंगे। और जग में जो गुरुदेव का झंडा ये लहर लहर लहराएंगे। प्रेमी गांधी सुभाष के नाम रहेंगे, लेकिन परिवर्तन जो बुद्ध नाम के द्वारा होगा। किसी नाम से परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि पिछला इतिहास आपका गवाही और साक्षी है। जब सतयुग में व्यवस्था बिगड़ी और हरणक शिव राजा था, अपने आप को सबसे भगवान धर्मान बुद्धिमान मानता था, क्या परिवर्तन हरणक शिव के नाम से हुआ या समय से जो योगियों ने हरि नाम जगाया उसके द्वारा परिवर्तन हुआ? परिवर्तन इंसान के नाम से नहीं होता, भगवान के नाम से होता। जब त्रेता में व्यवस्था राजा रावण के द्वारा बिगड़ी, जो रावण कहता था मेरे समान कोई धनवान बुद्धिमान भगवान नहीं है। रामचरितमानस भी प्रशंसा करती है, उत्तम कुल पुलस्त करनाती शिव वंश पूजे ब्रह्माती, जिसने ब्रह्मा विष्णु महादेव की अखंड तपस्या सागर करके अपने बस में कर दिया था। क्या प्रेमियों परिवर्तन रावण के नाम से हुआ था? कि समय के ऋषियों के द्वारा जगाए राम नाम और राम नाम की जो शक्ति आई उसके द्वारा परिवर्तन हुआ। जब द्वापर में फिर व्यवस्था राजा कंस के द्वारा बिगड़ी और कृष्ण ने अपने मामा कंस से कहा कि मामा जी यही समय का परिवर्तनकारी नाम है, धर्म की स्थापना के लिए आया है, भक्तों की मदद के लिए आया, आप इसी नाम के सहारे हो जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन वो कंस नहीं माना, कहता था जाया जात का द्वारा गाय चराने वाला माखन का चोर तुझको भगवान मान लूंगा। लेकिन तो क्या परिवर्तन कंस नाम से हुआ करती कृष्ण नाम से हुआ था? तुम पिछले इतिहासों को भूल गए हो। इंसान के नाम से परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन भगवान के नाम से होता। अब वो भगवान किन किन इंसानों को भगवान की उपाधि दे दे, सम्मान करा दे, इतिहास बना दे, वो तो उसके ऊपर आधारित है।
और दोनों प्रलोभ हम कहीं ना कहीं से कराए थे। भगवान राम के पास कितनी सेना थी? बानर सेना, पदम 18, चूप बंदर, इतनी सेना थी। और कितने अच्छे अच्छे उनके पास योद्धा थे, लेकिन हनुमान को ही लंका को भेजा था और नहीं किसी को भेज सकते, स्वयं नहीं गए, हनुमान को भेजा। जाओ हनुमान, ये ब्राह्मणों की नगरी लंका थी, अब राक्षस नगरी, राक्षस खान पान से होता, शरीर से नहीं होता। अब इनका खान पान शराब कमान में फंस गए हैं, धर्म को भूल गए, भगवान को भूल गए, सत्य को भूल गए, न्याय को भूल गए, माँ बहन बेटी की पहचान को भूल गए। जाओ मेरा शाकाहारी और धर्म का शुद्ध, मानवता का शुद्ध संदेश, जाओ लंका को सुना देना। जब हनुमान सुनाने गया तो उसने तीन रूप बना दिया। देखिए जो संदेश वाहक संदेश लेकर आता है और जो भेजता है अपनी पूरी शक्ति, पूरी ताकत, अपना सब शक्ति को दे के भेजता है, सतो ही भेजता है। तो हनुमान ने तीन रूप बनाई, जहां जैसी जरूरत आवश्यकता पड़ी, सूक्ष्म रूप धर सी दिखावा, विकट रूप धर लंक डरावा, भीम रूप धर असुर संहारे और रामचंद्र के उपराध संभाली। अपने इष्ट आराध गुरु के कार्य को संकल्प को पूरा करने के लिए कहा उसे, यानी संदेश पाठ हनुमान ने तीन रूप बना लिए। तो भक्त के लिए, संदेश पाठ के लिए कोई चीज कम नहीं है, उसको पूरी शक्ति ताकत है। अरे संदेश भेजेगा तो मनुष्य तौर पर ही तो भेजेगा, किसी पक्षी और पशुओं के तौर पर थोड़ी संदेश भेजा जाएगा, संदेश मनुष्य तौर पर ही भेजा जाता है। इसीलिए लिख के आपको बताया गया, सब घर भीतर साइया सूनी से घर धन सना हो, जा घट प्रकट हो, सारे घट में परमात्मा धन से जीवात्मा बैठी हुई है, लेकिन वो घर धन्य है जिस घर से मालिक का संदेश प्रसारित होता है। मालिक अपना संदेश जीवों के हित के लिए, कल्याण के लिए भेजता है, वो घट खास खुदा का है, वो घट उन्हीं का होता है। आपको ये भी सब जानकारी दे रही, और कार का बच्चा किसी के सर पे देता, किसी के सर पे भूत बैठा के, हम तो तुम्हारा काम करेंगे, तुमको अपने काम की पहचान रखनी चाहिए। जो मेरा संदेश लेकर आएगा वो तुम समझ लेना, मैं तुम्हारे पास मैं ही आ गया हूँ, मैं ही आ गया हूँ, क्योंकि वो तुम्हारे रिश्ते जात जुड़ानी से तुम्हारे पास नहीं आएगा, वो मेरे रिश्ते से आएगा। मेरा संदेश राहत होगा, मेरा रूप मेरा तद्रूप होगा, मैं पूरी शक्ति सामर्थ्य देकर भेजूंगा। और आप भी कुछ नहीं समझ पाए, क्योंकि तुम्हारे पास गुरु का कोई वचन नहीं है। जो 10 जुलाई 1952 से 2012 तक प्रसारित किया गया, आपके कानों कान पहुंचाया गया, हिंदुस्तान का कोई प्रांत, जिला, शहर, कस्बा, गली, गांव, कूचा छोड़ा नहीं, जहां पर अपना संदेश अपने सब यानी जीवों के हित में कल्याण के लिए उन्होंने भेजा। इस परिवर्तन की आवाज, लोक निर्माण की योजना, यह सारी व्यवस्था सब के कानों तक पहुंचाई, लेकिन आपने उस समृद्ध महापुरुष के एक ही वचन का आपने सम्मान नहीं किया। नयादर का सब हो गए तो आपके सामने तो समस्या खड़ी हुई थी। इसलिए किसी भी शक्ति को लेकर उसे बदलाव मत करिए, बहुत मार पड़ेगी आप पर। कौन शक्ति किस काम के लिए आई तुम्हें क्या मालूम, वो तो किस लोक से आई है, किस काम के लिए आई है, समय पर कौन उससे काम लिया जाएगा तुम्हें क्या मालूम। तुम जानते देखा भी नहीं, सुना भी नहीं है और उनकी चर्चा करते हो। अगर वो सामने आके खड़े हो जाए कहते मैं ये हूँ, तुम मानोगे? तुमने जब देखा नहीं, तुम्हारे बुजुर्गों ने भी नहीं देखा और उनकी आप चर्चा करते हो। हाँ शक्तियां सब है, कहीं नहीं गई है, लेकिन बाबा जयपुर महाराज ने क्या कहा था, जब लोगों ने
भविष्यवक्ताओं ने तमाम भविष्यवाणियां शुरू कर दी तो बाबा जी ने 1980 में कहा, अरे भविष्यवक्ताओं तुम विश्व पटल पर भविष्यवाणी से वक्त करना, ये परिवर्तन का वक्त है, जो काम करने आया है वो भूमिका अपने अनुसार बनाएगा, तुम्हारी सबकी भविष्यवाणियों को रुकवा दिया जाएगा। आज तक किसी भविष्यवाणी को सिद्ध होने नहीं दिया बाबा जी ने, लाखों रोके रखे हैं, ये भी नहीं कहा ये झूठ है, कहते नहीं इनका पूरा आइडिया अंदाज है, लेकिन जो परिवर्तन करने आया है वो उनका अपने अनुसार बनाएगा। और महात्मा सूर की बीमारी को रोक दिया गया। महात्मा सूरदास ने क्या कहा था, कितने पहले आवाज द्वापर में उठाई थी, क्या कहा था, आगे कलयुग आ रहा, इन आंखों से तो हम गए थे, लेकिन जीवात्मा की दिव्यास ज्ञान चक्षुषियों ने तथा गाड़ी खुली थी, जिससे भविष्य को देखकर क्या कह रहे, रे मन धीरज क्यों न धरे, संबत 2000 के ऊपर ऐसा योग पड़े, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण क्यों जिस काल फिरे, अकाल मृत्यु धर्म ही व्यापे, पंद्रह बहुत मरे। इसके बाद कहते हैं सहस्र वर्ष लगे सचिव को व्यापे, जब ये कूड़ा कचरा गंदगी गंदे खान पान करने वाले, गंदे कर्म करने वाले, गंदी सोबत में रहने वाले, जब इस गंदगी का सफाया हो जाएगा और सतयुग एकदम स्वच्छ निर्मल और पवित्र माहौल में अपना पदार्पण करेगा, इसके पहले नहीं आएगा। तो आप सोच रहे हो कि रहे सहसवर्ण सतयुग व्यापे, सुख की दशा फैले, स्वर्ग फूल वन पृथ्वी फूले, आज धरती जो एक अन्य का दाना उत्पन्न करो अस्त्र तो दिखाई देती है, महात्मा सूरदास जी कह रहे स्वर्ण फूल बन पृथ्वी फूले, धर्म की दौर बढ़े। और कहते हैं सूरदास अर्की लीला चारों नहीं चले, लेकिन एक इशारा उनका हो है कि उस समय कलयुग की विषम परिस्थितियों से कौन अपने आप को बचा सकेगा, काल जाल से वही बचे जो सतगुर ध्यान धरे, रे मधीरज क्यों बताए, जो सत्य का गुरु है, सत्य माने ईश्वर होता है, ईश्वर से मिलाने वाला, ईश्वर की ये व्यवस्था इसको सुदृढ़ मजबूत करने वाला, बदलने वाला, सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी दिलाने वाला, महंगाई गरीबी बेरोजगारी को हटाने वाला, टैक्सों की भरमार को खत्म करने वाला, ऐसे को कहते हैं सतगुरु। अभी आप सतगुरु का तुम तो गाड़ी वाले समझते हो, लाल पीला सफेद कपड़ा सतगुरु होता है, अरे वो काम है, काम पर नाम रखा जाता, काम पर नाम सिद्ध होता है, काम से नाम की महिमा लिखी जाती है और काम से नाम की पूजा होती है, ऐसे बात को ध्यान में रखना चाहिए। महात्मा सूरदास ने क्या कहा, काल जाल से वही बचे जो सतगुण ध्यान धरे, रे मन धीरज क्यों न धरे, सतगुण कहो आला फकीर कहो की बात है, अंतर नहीं केवल भाषा का झगड़ा आपने खड़ा किया और उसी झगड़े में तुम ही फंस गए हो, तुम्हें पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत के भूल गए हो, तुम्हें प्रेम सेवा गया सदाचार परमात्मा की यादगार और खुदा की यादगार को भूल चुके हो और तुम्हारे मानव मन मस्तिष्क में माँ बहन बेटी बहू की कदर और पहचान सुखतम हो चुकी है, तो आप निकले हो इन समाज में क्या बिगड़ा, कहते समाज बिगड़ गया, हमने कहा समाज इंसानों से बनता है, इंसानों का खान पान बिगड़ा है जिससे उनके भाव विचार खराब हो गए, सोचना समझना उठना बैठना बोलना चलना और देखना सुनना समझना करना सब खराब हो गया, खराबी तो यहां से आती है, हमारे धार्मिक धारा का नियम और कानून है, जैसा करो आहार वैसे बने विचार, जैसा खाओ अन्न वैसा बने तनमन, जैसा पीवो पानी वैसी हो बीमारी, ये धार्मिक धारा का नियम बना हुआ है, इस नियम के बर चला जाओगे कुदरत सजा सुनाने लगेगी, और आपको ये सब ध्यान में रखना चाहिए,
इसलिए समय के महापुरुष ने आवाज लगाई है क्या आजाद भगत नेता सुभाष की कुर्बानी आज रुलाती है और माँ बहनों की यहाँ लाज लुट रही क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है। उन्होंने कुर्बानी उसी ने दी थी। ये धार्मिक रूप पर धर्म रहेगा मनोसत्कर्म रहेगा माँ बहन बहु बेटियों की इज्जत राहु बचाई जाएगी सुरक्षित रखी जाएगी। इसके लिए जो कुर्बानी दी है उस कुर्बानी को केवल आज कहानी भर बन गया है किसी को निर्भाव नहीं दिखाई देना। उनको नाम उनके नाम को आगे रखकर जो तुम स्वार्थ लोभ लालच हल कर रहे हो इसका भारी खामियाजा भोगना पड़ेगा। मैंने बहुत लोगों से मना किया किसी महाशक्ति को आप यानी स्वार्थ लोभ लालच का आधार मत बनाइए। उनका जो कार्य है वो कार्य कौन कराएगा? भगवान राम ने कुछ नहीं किया लेकिन गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र ने उनसे काम करवाया और इतिहास बना दिया। उनकी आज पूजा हो रही है। कृष्ण ने कोई काम नहीं किया। संदीपन जी उनके गुरु थे गुरुद्वाराचार्य और संदीपन जी ने सब काम उनसे करवा लिया और उनको इतिहास का सबसे बड़ा प्रणेता बना दिया। आज उनकी भारत में पूजा हो रही है। प्रेमियों गुरु भक्तों की पूजा है। राम ने अपने गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र के आदेश हुकुम का पालन किया आज उनकी पूजा हो रही है। भगवान कृष्ण ने गुरु द्रोणाचार्य संदीपन जी उनके गुरु के उनके आदेश हुकुम का पालन किया आज उनकी पूजा हो रही है। अरे भगवान राम कृष्ण को तो गुरु ही मिल पाए तुम कितने बड़े भाग्यशाली हो इस कलयुग में कि तुमको समय का सतगुरु मिला। गुरु माने ज्ञान कराने वाला इतिहास बनाने वाला पूजा कराने वाला राष्ट्र धर्मोरथ मन सम्मानस्कार दिलाने वाला लेकिन सतगुरु यानी ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल सतपुरुष से मिलाने वाला दर्शन दीदार कराने वाला कितनी बड़ी शक्ति आपको समझ से मिली और आप उनको इंसान समझने लगे। इंसान समझ कर आपको तो ये है वो ये है वो ये है यह सब तुम्हारा कल्पना है तुम्हारी ऐसा कुछ नहीं है। कहा कहा था गुरु दरबार में भगवान बनाए जाते हैं जिसको चाहेंगे भगवान बना देंगे। तुम क्या समझते हो कितने लाखों सुराग बन जाएंगे लाखों चंद्रशेखर बन जाएंगे लाखों महर्षि बन के तैयार हो जाएंगे। अरे तुम सतगुरु के वचनों को सुनो और मानो और अपने जीवन में उतारिए ये सब तुम्हारे सामने सत्य हो जाएगा। लेकिन जिनको तुम जानते नहीं हो जिनका तुमने भाषण भी सुना भी नहीं और शक्ल भी नहीं देखी क्यों किसी को बदनाम करते हो? जब संत महापुरुष सतलोक से चलते हैं तो बीच के जितने लोग सब लोगों से अच्छी अच्छी शक्तियों को साथ में लेके आते हैं और उन्हीं के द्वारा और देश समाज धर्म का काम करा देते इतिहास बना देते उनकी पूजा हो जाती है। लेकिन बगैर गुरु के और किसी ने कुछ नहीं किया और आपको सदगुरु मिले अगर आपने उनके वचनों को मान लिया होता उनको पहचान लिया होता उनकी भूमिका जो परिवर्तन की दूरदर्शी और भूम द्योतक अगर इन दोनों को आपने समझ लिया होता तो हिंदुस्तान में किसी चीज की कमी नहीं थी और कोई यानी झगड़े झंझट नहीं करता कोई मार का हिंसा नहीं करता कोई चोरी डकैती करके बलात्कार नहीं करता अगर आपने संतों की भूमिका को समझ लिया होता। अरे वो तो ऐसी भूमिका है जब गुरुद्रोणाचार्य ने चक्र भी बनाया भगवान कृष्ण पूछने लगे गुरुदेव ये चक्र क्यों क्या है? कहा कृष्ण तुम नहीं समझ सकते ये गुरुओं की व्यवस्था गुरुओं का खेल है उनकी लीला तुम नहीं समझ सकते। कहते नहीं नहीं बता दीजिए। कहा अगर जानना चाहते हो कृष्ण ये चक्र व्यू में सबकी बुद्धि चकराएगी और तुम्हारा चक्र सुदर्शन भी चलेगा। कृष्ण का गुरुदेव मैंने तो संकल्प लिया है कि
कि महाभारत में अस्त्र नहीं उठाऊंगा। कहा आप परिवर्तन करने आए हो, इतिहास बनाने आए हो, धर्म की स्थापना के लिए, और कहते अस्त्र नहीं उठाऊंगा। ये कर्म भूमि है, तुम्हें कर्म करना पड़ेगा, और गुरु की ऐसी व्यवस्था है तुमसे जबरदस्ती अस्त्र खुला लिया जाएगा और काम करवा दिया जाएगा। ये है गुरु की व्यवस्था। कृष्ण को मजबूर होना पड़ा और अपने संकल्प को तोड़ना पड़ा, अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ना पड़ा और स्वयं चतुर् सुदर्शन उठाया और संघर्ष करना पड़ा। प्रेमियों तो गुरु की व्यवस्था, तो ससुर की व्यवस्था कितने आगे की है, किससे नहीं काम करवाएंगे, किस पर कौन सी शक्ति बैठा कर कैसे काम करवा दिया जाए। आपको अपने काम की हमेशा चिंता रखनी चाहिए। बाबा जी ने क्या कहा था, कहा बच्चा जब राजनीतिक लोग अपना हथियार डाल देंगे, कहेंगे न्याय सुरक्षा मेरे बस की नहीं, रोजी रोटी देना मेरे बस की नहीं, गरीबी महंगाई और बेरोजगारी हटाना मेरे बस का नहीं, और टैक्सों की भरमार रोकना ये भी मेरे बस का नहीं, और अशुद्ध खान पान की बिक्री रुकवाना ये भी मेरे बस का नहीं। तब बाबा जी ने क्या कहा, तब बच्चा मैं अपना ब्रह्मास्त्र उठाऊंगा। प्रेमियों ब्रह्मास्त्र कुत्ते पर नहीं चलाया जाता, राक्षसों पर चलाया जाता। देखिए कैसा अनोखा ब्रह्मास्त्र है, और आप एक भी नहीं समझ पा रहे हो। 18-18 वर्ष आपसे दूरदर्शी व्यवस्था का प्रचार कराया और आपने यही नहीं समझ पाया कि बाबा जी का ब्रह्मास्त्र क्या है। एक दूरदर्शी, दूसरा भूम देवता, वो ब्रह्मास्त्र है। ये दो ब्रह्मास्त्र जैसे राइफल के नाम से अगर गोली न निकले तो गोली का परिणाम कोई बता सकता। जब गोली राइफल के नाम से निकल जाती है, परिणाम बाद में आता, मर गया, बच गया कि घायल हो गया, लेकिन पहले परिणाम गोली का कोई नहीं बता सकता। लेकिन बाबा देवगुरु जी महाराज का न ब्रह्मास्त्र उठाना भी चला है और परिणाम पहले ही बता रहे, ताकि भारत की जनता कहीं ये न कह दे कि बाबा जी का ब्रह्मास्त्र उठेगा, हम सबका कौन से काम होगा, हमारे समाज और देश का कौन सी व्यवस्था बदलेगी, कैसा काम होगा। इसलिए बाबा जी ने अभी ब्रह्मास्त्र उठाया न चलाया और परिणाम पहले ही बता दिया। क्या कहा, दूरदर्शी आएगी धरा पर सती बुलाएगी, दूरदर्शी का ऐलान स्वर्ग बनेगा हिंदुस्तान, दूरदर्शी का प्रभाव हर बच्चे को देगी काम, दूरदर्शी आएगी माँ बहनों की रात बचाएगी, दूरदर्शी का संकेत सोमन भीखा देंगे खेत, और दूरदर्शी का उद्देश्य विश्व गुरु हो भारत देश। ये भारत देश विश्व का गुरु है, विश्व गुरु देश हिंदुस्तान है। जय हिंद का वचन सत्य केवल अल्लाह बचाना जाती, जय हिंद हिंदुस्तान की जय हो। हिंदुस्तान जो विश्व का गुरु बनेगा तब हिंदुस्तान की सारे विश्व में पूजा होगी, और हिंदुस्तान के संविधान को सारा विश्व मानेगा, स्वीकार करेगा। लेकिन जो सर तुम चला रहे सत्य होते, तुम्हारे द्वारा कुछ तुम जानते नहीं हो, तुम्हें व्यवस्था का ज्ञान नहीं है, परिवर्तन कैसे होगा ज्ञान नहीं है, किसके द्वारा होगा ये भी ज्ञान नहीं है, और कैसे होता ये भी नहीं ज्ञान आपको, आपका ये सब समय व्यर्थ में जा रहा। इसलिए सदगुरु की व्यवस्था में जो चाहिए आप, सब देश का, लोक का, परलोक का, शरीर का, समाज का, आत्मा का, सबका हो जाएगा। लेकिन समय के पहले कुछ नहीं होता, क्यों, मनुष्य बलि नहीं होते, समय हो तो भगवान, भिल्लन लूटी गोट का बढ़िया चलो था, समय ने सात को बदल दिया, रणकृष्ण को बदल दिया, रावण को बदल दिया, कंस को, जरासिंह को, सब को बदल दिया, और तुम उतने बड़े धनवान बलवान बुद्धिमान नहीं हो, तुम तो एक ही धक्का कुचक का बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, आपको यह सब ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए हमारे यहां धर्मशास्त्र जो लिखे गए थे
मानव समाज को संगठित, मानव समाज में सेवा, प्रेम, दया, परमात्मा की यादगार माँ बहन बेटी बहू की पहचान के लिए लेते थे। लेकिन आज उन धर्मशास्त्रों का पूरा निरादर किया जा रहा है। धर्मशास्त्रों कहाँ चले गए कि वेद शास्त्र की लगी दुकाने और धर्म बिक रहा पैसों में, वेद शास्त्र की लगी दुकाने और धर्म बिक रहा पैसों में, खून पसीने की कमाई और जाति भोग मिलासों में, खून पसीने की कमाई और जाति भोग मिलासों में, जय गुरुदेव आवाज लग रही और सबको होश आ जाएगा, जय गुरुदेव आवाज लग रही और सबको होश आ जाएगा, और जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। स्वामी जी की बोली है एक कलयुग में सतयुग आएगा, और जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा, जय शक्तियों के निर्माता, वैचारिक क्रांति के जन्मदाता परम पूजनीय स्वामी जी महाराज बाबा जय बुद्ध जी, और देश के विभिन्न प्रांतों से, जनपदों से, शहरी ग्रामीण अंचलों से आएंगे समस्त संगीत प्रेमी जन, इसको सुनने आवास निवास करने वाले समस्त धर्म प्रेमी माताएं बहनों को, देवी देवता मंदिर मस्जिद पर आस्था विश्वास रखने वाले हिंदू और मुसलमान, आज राष्ट्र भक्त, ईश्वर भक्त और गुरु भक्त को सबके लिए एक सुनहरा अवसर दिया है। ये मानव जीवन का सुनहरा अवसर है। इतने शरीर जो आप देख रहे हो, हाथी, ऊंच, घोड़ा, लंबे चौड़े शरीर वाले, उनमें भी जीवात्मा है, लेकिन उन शरीरों में किसी भी जीवात्मा को अधिकार नहीं है कि वो परमात्मा से मिल सके। परमात्मा खुदा से मिलने का अधिकार केवल मानव शरीर में जिसमें है, और आपको मिला तो आप कोई कदर ही नहीं करते उसकी। तुमको इसके बारे में मालूम ही नहीं है आखिरकार परमात्मा खुदा ने हम सबको ये मनुष्य मंदिर और जिस्मानी मस्जिद क्यों दी है, किस काम के लिए दी है। अगर परमात्मा को तुमसे कमाई कराना होता तो उसके पास बहुत से शरीर है, बैल है, घोड़ा घोड़ा है, खच्चर गधा, रात दिन कमाता, आपको उसी में जन्म दे देता और कमाई का काम करा लेता, लेकिन मनुष्य मंदिर जिस्मानी मैं नहीं देता। अगर परमात्मा खुदा को आपसे केवल बाल बच्चे औलाद पैदा कराने होते तो परमात्मा खुदा के पास दो ऐसे शरीर जिसमें है एक कुत्ते और सुअर का, जो एक बार में 500-700 बच्चे पैदा करता, आपको उसी में जन्म दे देता और भोगों की प्यास को बुझा देता, लेकिन ये अनमोल मंदिर और जिस्मानी मस्जिद आपको नहीं देता। ये आपको विचार करना चाहिए, ये किसी खास काम के लिए मेरा सत्कर्म, छह कर्म को सभी लोग जानते, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, खाना पीना, सोना कमाना,
और मलमूत्र त्याग करना और औलाद बच्चे पैदा करना, ये तो पशु पक्षी की उनको सभी कर रहे हैं। तुम्हारे में खासियत क्या है? तुमको तो सत्कर्म यानी छह कर्म तो शरीर इंद्रियों के द्वारा और सत्कर्म जीवात्मा रूह से खुदा की इबादत और परमात्मा का भजन करना और जीवात्मा रूह को जगाना और खुदा परमात्मा के पास पहुंचाना, ये है सत्कर्म जो हम सब मानव इंसानों को दिया गया, आपने इसको पालन किया है। आप सब सत्कर्म को सोच चुके हो, अभी तक नहीं जान पाए हो और सारा जीवन खटकर्मों में ही जा रहा आपका और अभी आपकी समझ में नहीं आ रहा। अरे किसी संत महात्मा फकीर की तलाश करो, गुरु कोई खोज करो भाई, बिन गुरुराह कोई नहीं भाई। ऐसे गुरु माने हमारा गुरु माने तारी मार लाल पीले कपड़े जात पाति से शरीर से मान सम्मान धन दौलत से हमारा संबंध नहीं है। गु माने अंधकार, रु माने प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की तरफ, अधर्म से धर्म की तरफ, पाप से खून की तरफ, झूठ से सत्य की तरफ, दानवता से मानवता की तरफ हम सब जीवों को लाके खड़ा कर दे, ऐसी चेतन शक्ति को मृत्यु मंडल पर गुरु यानी मूर्छित कहते उसी को, मूर्छित तो चल गुरु कोई की बात है उसको कहते हैं। और तुमको ये भी पहचान लू गाड़ी में लक्ष्मी लाल पीला कपड़ा भेज दिया गुरु कह दिया, धोखा हो गया, यही धोखा है। इसी धोखे में आपको कितना बरगला दिया, बहका दिया और सच्चाई हकीकत से कितनी दूर उठा के फेंक दिया है जो तुम जीवन में फिर कभी पा नहीं सकोगे। इतना बड़ा नुकसान आपने किया। अगर गुरु की पहचान जान लेते क्या कोई दाढ़ी बार रखकर गुरु का कपड़ा पहनकर तुम्हें धोखा दे सकता था? अगर तुम्हारे पास पहचान होती और गुरु की पहचान गोस्वामी जी महाराज ने राम से तुम्हारस में एकदम कूट कूट के बांटी है, वो तो देख रहे थी तो दृष्टि से आगे भीषण कलयुग आ रहा, कहीं लोग गुरु को भूल न जाए, पहचान कहीं हट न जाए, न स्वार्थी रोही राशि मणि अभिमानी कुमारी खड़े हो जाएंगे और उनको धोखा दे देंगे, सच्चे गुरु से हटा देंगे और गुरु की वास्तविकता से भी दूर कर देंगे, गुरु के दया से वंचित कर देंगे, गुरु की शरण से उठाकर लोभी लालचियों के उधर भेज देंगे, फिर वो बेचारा कभी आ नहीं सकेगा। इसलिए क्या लिखा है कि हर आशीष धन सो तुम्हारी और सो गुरु को रे नरक मापरी। गोस्वामी महाराज हम सब कलयुग के जीवों को चेतावनी दे रहे हैं कि कहीं तुम भूल भर में मत पड़ जाना। गुरु का काम कोई चेला बनाना नहीं, चेले से केवल मान सम्मान धन दौलत रुपए पैसे सामान बटोरना नहीं होता है। गुरु का काम क्या है? अरे शिष्य धन सो कर हरी सो गुरु घोर नरक में पड़ी, केवल चेला बनाना मान सम्मान सामान रुपए पैसे धन दौलत के लिए गोस्वामी महाराज ने लिखा ऐसा गुरु रणो घोर नरक में जाएगा। गुरु का काम क्या? शोक हरी, शोक माने दुख को हर ले, तो सबसे बड़ा दुख मानव जीवन में क्या है उसको भी लिखा गोस्वामी महाराज ने कि जन्मत मरत असह दुखी, जो जन्म मरण की असहनीय पीड़ा को हर ले, न जन्म होने दे न मौत में जाने दे, यानी जन्म मरण से छुटकारा दिला दे, आवागमन से रहित कर दे, उसको गुरु कहते हैं। यह है प्रेमियों गुरु की पहचान। अगर तुम्हारे पास गुरु की सच्ची पहचान होती तो गुरु का कपड़ा पहन के दाढ़ी बार रख के कोई धोखा दे सकता था? आपको तो यह जानकारी रखनी चाहिए थी, लेकिन तुमने गुरु के वचनों को संभाल के नहीं रखा। जबकि बाबा जी ने क्या कहा था, मेरे सत्संग वचनों को बच्चा बहुत संभाल के रखना, बड़ा स्वार्थी युग है, तमाम स्वार्थी लोभी लालची खड़े हो जाएंगे, अपने को गुरु कहने लगेंगे और तुमको सच्चे गुरु से अलग कर देंगे, गुरु की दया से अलग कर देंगे, तुम्हारा नुकसान करा देंगे।
ऐसे वार को सिखाया गया था। आपने गुरु कहे बचन नहीं रखा, कहा था अगर मेरे सत्संग बच्चों को तुमने कहीं भुला दिया तो मेरी दुआ गया के भंडार से तुम करो को पीछे चले जाओगे, फिर तुम्हारी यहां कोई नहीं सुनेगा। आपने कहा माना है, न माना न जाना न पहचाना, सब धोखे धोखा आपके लिए हो गया। इसलिए उन बच्चों को बराबर ध्यान में रखिए। आज हमें इस गणतंत्र दिवस की पावन मेला पर उस समरस सदगुरु दयाल के बच्चों को आपके सामने रखूंगा और याद कराऊंगा, इन बच्चों को पकड़ के रखिए, आगे और खराब समय आ रहा है, तुम्हारी रक्षा हिफाजत कोई नहीं करेगा। जब तक ये उनके वचनों का प्रचार प्रसार हो रहा है, उनकी वाणी को जीवों के कान तक पहुंचाया जा रहा है, तभी तक आप अपनी सुरक्षा समझ लीजिए। और कुदरत तभी तक चुपचाप बैठी है जितनी संत महापुरुषों की वाणी को विराम दे दिया जाएगा, ये कुदरत नंगा नोच करेगी, अपने आप को आप बचा नहीं पाओगे। इसलिए महापुरुषों ने इशारे के रूप में क्या कहा कि जब संत महात्मा चुप होते जब कुदरत का नजारा होता के नजारे में प्यार सत्य गुरु का सहारा होता है सत्य गुरु का सहारा होता है। जब संत महात्मा चुप समझ कब पाओगे तुम इसे समझ कब पाओगे ये खुला इशारा होता है ये खुला इशारा होता है जब संत महात्मा चुप खुली रहती अमृत
मजबूर हो गए कृष्णाचार दिवस हो गए। अंत में उनको 18 दिन का एक नाटक जिसको महाभारत के चुप करना ही पड़ा। फिर भी जब सेना खड़ी हो गई फिर भी एक मौका दिया, कहा जरा संघ नाथ कर दो। जब संघ बजाया गया लोगों ने कहा भगवान संघ बजाने का क्या मतलब, क्या नहीं मतलब है। कहा भी जो धर्म पक्ष में आना चाहता हो आ सकता है, लेकिन जब सवेरे लड़ाई शुरू हो जाएगी तो क्या बिरादरी न तो रिश्तेदारी कुछ नहीं, लड़ाई लड़ाइए मौका दिया था। आज प्रेमियों कलयुग सरयुग की विषम चक्र से बचने के लिए सरगुरु दयाल ने एक आह्वान किया है, हम सबको एक मौका दिया है। अब भी जो गुरु पक्ष में आना चाहता हो आ सकता, लेकिन मेरा कोई पक्ष नहीं है, मेरा कोई गुट नहीं है। गुरु पक्ष में जो भी गुरु भक्त गुरु प्रेमी आना चाहता हो आ सकता है, लेकिन कल जब सचिव कलयुग की टक्कर शुरू हो जाएगी तब आपकी सुनवाई नहीं होगी। फिर हम लोग केवल किसी ने बताया नहीं, किसी ने इशारा किया नहीं, हमें आगा किया नहीं, आप नहीं कह सकते। अभी वक्त है गुनाहों से तू तोबा तोबा कर, फिर न कहना कि हमने सुना था पैगाम नहीं। हम आपको ये कहने नहीं देंगे जैसे मुसलमानों ने हुजूर पैगंबर मोहम्मद साहब के एक वचन को भी नहीं माना, खुदाई रात देने आए उसको भी नहीं स्वीकार किया, और अब कहते हैं उसे न हम न हुए। अरे आज हम ये आपको कहने नहीं देंगे, आप हो, आप मौजूद हो, आपके बदले बताने की युक्ति और समाधान विकल्प आपके सामने रखा जा रहा है। मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर कल अपने घर जाएंगे। हम मनवाने नहीं आए हैं, हम उस समृत सदगुरु के वचनवादों की याद कराने आया, मैं उस समृत शक्ति के वचनवादों की याद कराने आया हूँ जो उन्होंने परिवर्तन की वेला पर संकल्प लिया, प्रतिज्ञा की वादा किया। मैं उस संकल्पवादों की याद कराने आया हूँ, और मनाने के लिए तो कुदरत पीछे खड़ी है। कहा अगर आप संत महापुरुषों के वचनों को नहीं मानोगे, नहीं विश्वास करोगे, तो पीछे पूजा खड़ी है अपने एक डंडे से 200 करोड़ का वादा ज्यादा करते थे। अरे तब मान लेना, हमें कोई जल्दी नहीं है, लेकिन गुरु के वचनों की याद कराने की बहुत जल्दी है। जितनी जल्दी समर्थ मालिक समर्थ शक्ति परिवर्तनकारी शक्ति के वचनों को याद करा दिया जाए उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। और भविष्य में कोई हिंदुस्तान का प्रेमी ये नहीं कर पाएगा कि हमको गुरु के वचन मालूम नहीं थे, मैं बहुत थोड़े दिनों का नामदारी था, मेरे गुरु का पूरा संदेश सुना नहीं था, याद नहीं था। उन्हीं प्रेमियों के वास्ते ये अभियान जन जागरण का प्रारंभ किया गया है, इसलिए आपको बराबर ध्यान में रखना चाहिए। जब भूल जाओगे आप अपनी मुसीबत में फंस जाओगे। आज भी जगाने का काम किया जा रहा, बार बार आपसे प्रार्थना की जा रही, किन्हीं न त्यागो इतरा आँख खोलो, नहीं त्यागो जरा आँख खोलो, अब तलक यूं ही सोते रहोगे, अब तलक यूं ही सोते रहोगे, पाप गठरी पटक दो जमी पर, पटक दो जमी पर, तब चल के पाप धोते रहोगे, पाप धोते रहोगे। वो कैसी अमृति की अनोखी आवाज है, यहाँ जिनको आपने भगवान कहा है, चार त्रेता के राम हो द्वापर के कृष्ण, उन्होंने किसी के पाप को माफ नहीं किया। भगवान राम का इतिहास बता रहा, उन्होंने अपने सगे पिता दशरथ को नहीं माफ किया, अपराध क्या था, धोखे में श्रवण कुमार की हत्या हो गई, एक हत्या धोखे में भगवान ने माफ नहीं किया। और तुमने अपने मानव जीवन में कितनी हत्याएं, कितने बकरे मारे, कितने मछली मारी, कितने मुर्गे काटे, कितने अंडे फोड़े,
कितने दस काट करके मासूम बच्चों की हत्या किए बैठे हो, बोलो तुमको कौन सा भगवान माफ कर देगा? अरे भगवान का इतिहास पहले पढ़िए। भगवान राम ने अपने सगे पिता दशरथ को नहीं माफ किया एक छोटा सा अपराध कि धोखे में सुवर्ण कुंवर की हत्या हो गई। लोगों ने कहा भगवान आपके पिताजी ये माफ कर दीजिए, धोखे में हो गया, कैसे कुछ नहीं, मैंने कर्मों का विधान बनाया है, मैं अपने विधान संविधान सिद्धांत में कभी समझौता नहीं करता। और भगवान ने क्या विधान बनाया कभी पढ़े आपने? राम चरित मानस कानून संविधान और नीतियों का ग्रंथ है, वो ऊर्जा पूजा है पर छूने वाला ग्रंथ नहीं है, मानव जीवन में उतारने वाला ग्रंथ है। भगवान राम ने क्या विधान बनाया कि कर्म है प्रधान रचीरा, और जो जैसे कारी यह सब तस फल चाखा। भगवान राम का कानून क्या है? कहा मेरे कर्मों के आधार पर विश्व की रचना की है, जो जैसा कर्म करेगा मैं उसके कर्मों का परिणाम जजमेंट दे सकता हूँ, न माफ कर सकता हूँ, न अगला बदली कर सकता, न खत्म कर सकता हूँ जजमेंट के बाद। और कानून क्या बना रहा है कि कारणों में मैं कर भ्राता, और सुबह और आंसू मेरे कर्म फल दाता। का मैं महाकाल के हुकुम से इस काल नगरी में धर्म की स्थापना के लिए, दुष्टों के संहार के लिए और भक्तों की मदद के लिए आया हूँ। ऐ काल के देश में रहने वाले भ्रमियों, जो काल की पूजा कर रहे हो तुम मेरे भाई हो, लेकिन भाइयों मैं तुम्हारे द्वारा मनसा वाचा कर्मणा कोई किए हुए कर्म को न माफ कर सकता हूँ, न अदला बदली कर सकता हूँ, न खत्म कर सकता हूँ, मैं अच्छे बुरे कर्म का परिणाम दे सकता हूँ, अच्छे का अच्छे बुरे का बुरा। बड़े साल सरसों तुम्हें देखे लिख दिया गया। तो भगवान राम के जीवन की चार घटनाएं, अगर चार घटनाओं को पढ़ लो आप समझ लो तो तुम्हें पता चल जाएगा हमको अपने मानव जीवन में कौन सा अमानवीय कार्य नहीं करना चाहिए, नहीं भगवान हमको भी सजा देगा। तो चार घटनाएं भगवान राम के जीवन की। पहली घटना, अपने बाप को नहीं मार दिया। दूसरी घटना, विद्वान ब्राह्मण रावण को नहीं मार दिया। उसका अपराध क्या था? उसने उनकी स्त्री का अपहरण किया था। नारी अपहरण की सजा भगवान कभी माफ नहीं करता। एक नारी सीता के हर पर कितने करोड़ मारे गए, कितनी जाने चली गई। द्वापर में एक द्रौपदी नारी को नंदा किया जाने का प्रयास सभा में किया गया, कितना भारी खून खराबा, अरबों खरबों जाने चली गई। अगर आज वो नियम कानून लगा दिया जा तो समाज में तुम कितने लोग बचोगे, तुम्हारी नारी समाज पर दृष्टि पड़ती ही गंदी हो जाती है। आपने उस यानी सीता हरण का और द्रौपदी के अपमान करने का, अगर उस परिणाम को याद रखते आज भारत देश की हालत नहीं होती। सब भूल गए, राम रावण संग्राम को भूल गए और कृष्ण के महाभारत को भूल गए। अगर ये दोनों को याद रखते इसका कारण क्या है, मेरे द्वारा मेरे मानव जीवन में कोई अमन भी घटना जो घटित नहीं हो रही, न भगवान हमको भी कोई माफ करेगा। प्रेमियों, तीसरी घटना है कुंभकर्ण का वध। आखिरकार भगवान ने कुंभकर्ण को क्यों मारा? रामचरित मानस प्रशंसा कर रही है कुंभकर्ण से नहीं बलवंता, कुंभकर्ण के समान कोई भगवान नहीं, लेकिन भगवान ने उस पर ध्यान नहीं दिया, उसका दुख क्या दिया। अपराध क्या था? वो शराब पीता था, मांस खाता था, ये तो अपराध है। अगर भगवान राम के कानून को आज लगा दिया जाए तो तुम समाज परिवार में रहने वाले कितने लोग बचो, तुम जो सबसे आदि कबाबी हो गए, तुमने कुंभकर्ण के दुख का इतिहास नहीं पढ़ा, उसको ध्यान में नहीं रखा कि आखिरकार इतने बलवान योद्धा को भगवान राम ने किस कारण किस अपराध पर मारा है,
केवल सड़क की नमाज का और तुम सबसे अभी कदाबी हो। भगवान राम के कानून को रुका दिया था, पता भगवान राम की पूजा कर रहे, ये पूजा है, ये पूजा है कि उनके वचनों का निरादर, उनके सिद्धांतों का अपमान कर रहे हो। अगर कोई सीताराम का पुजारी बैठा हो तो कान खोल के सुन ले, तुम सीताराम के पुजारी हो कि सजा पाने के अधिकारी हो, ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखना चाहिए। भगवान राम सीताराम पहले से नहीं बोल चुके, सीताराम के क्या हुक्म दिया, आदेश क्या, नियम क्या, सिद्धांत उन्होंने बनाया, उसका जब पालन करोगे तो सीताराम के पुजारी कहलाओगे, उसके खिलाफ चलोगे तो सजा पाने के अधिकारी माने जाओगे। तो भगवान चौथी घटना क्या है, बाली का वध, सुग्रीव को मित्र बना करके फिर बाली को संधारा, क्यों एक भाई को मित्र बना रहे कि एक का वध कर रहे, कारण क्या है, सुग्रीव छोटा भाई और बाली बड़ा भाई, अगर बड़ा भाई छोटे भाई की स्त्री को अपनी औरत बना के रखे, ये सामाजिक पारिवारिक तो अपराध और पाप है जिसको भगवान ने माफ नहीं किया और उसी समय कानून बना दिया कि आगे आने वाली जनरेशन पीढ़ी इस कानून को बराबर याद रखे। अगर इस कानून के अंतर्गत तुम्हारा जुर्म अगर साबित हुआ, तुम पाए गए, तो तुमको भी सजा मिलेगी। सीताराम कहने पर भी सजा मिलेगी आपको, क्योंकि सीताराम कहने का नहीं है, सीताराम ने जो आदेश हुकुम दिया उसका पालन करना, जीवन में उतारना ही उनकी भक्ति उनकी पूजा है, ये सब भूल गए आप। तो भगवान राम ने कानून क्या बनाया कि अनुज है बधु भगनी सुत नारी और सुन साठ कन्या सरचारी इन्हें कुदा स्त्री पिलोक जोई और तार बधे एक पाप न होई। भगवान राम का कानून क्या कह रहा, अनुज बधु, अनुज माने छोटा भाई, बधु माने स्त्री, छोटे भाई की स्त्री भी बहू के समान होती है और भगनी माने बहन, भगनी सुतनारी बहन के लड़के की स्त्री भी बहू के समान होती है और कुंवारी कन्या, ये चारों निधि कन्या के समान है। भगवान राम का कानून कहता अगर इनको कोई बुरी नजर से देखे या बुरी आदत से इनको अपनाने की कोशिश करे, ऐसे इंसान का अगर वध कर दिया जाए कोई पाप नहीं है। प्रेमियों तुम बच सकते हो, भगवान राम के कानून को अगर लागू कर दिया तो कोई नहीं बचेगा, देख लिया। और दूसरा कानून क्या बताया कि जननी समय परे नारी और धन पराए जिससे भी सभारी, क्या करे भगवान राम का कानून, पराई स्त्री को माँ के समान जानो, पराई स्त्री को अपनी माँ के समान, पराया धन जहर का जहर जानो, ये पूजा है। क्या ये राम की पूजा कर सकते हो, तुम्हारे बस की है, कितना कठोर क्षत्रिय शासक जिसने अपने बाप को नहीं माफ किया, तुम कौन सी चीज हो, देखो कितनी बड़ी चीज, तुम्हारी आंख शाम को बंद होती सुबह खुलती है, दिन भर सोचते हो किसको लूटना किसको ठगना है, किसकी बेईमानी किसको धोखा देना, किसकी चोरी किसकी डकैती किसका कत्ल किसका अपहरण करना है, आप कैसे बचोगे भगवान के कानून से, तुम्हें भगवान का कानून ही नहीं मालूम है, ये बाहर का छापा तेरे के लिए चंदन बदन का नहीं करेगा, इससे और सजा मिलेगी। अगर उस भेद के अनुसार तुम्हारा यानी तुम्हारे गुण और आपके कर्म ठीक न मिले तो डबल सजा मिलेगी आपको, इसलिए भेद ऋषि मुनियों का है, योगियों का, तपस्वियों का, ब्रह्मचारियों का है, छापा तेरे के लिए चंदन बंदन दाढ़ी बाल लाल पीला सफेद कपड़ा, ये भोगियों का मतलब नहीं है, योगियों का है, और सब भोगियों ने कर दिया, सारा देश एकदम बिल्कुल दर्द में चला गया और ये
सब सजा पाने के अधिकारी, किसी को किसी तरह की कोई बुरावत नहीं की जाएगी। मेरे को ये बराबर आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए आपको फिर से ये जन जागरण अभियान आप सबको जानकारी देने के लिए चलाया गया और आपसे कहा जा रहा है कि भगवान कृष्ण ने सगे मामा को नहीं माफ किया और भगवान राम ने सगे पिता को नहीं माफ किया, लेकिन समर्थ सदगुरु समय का मालिक क्या कह रहा है कि नींद त्यागो जरा ने किसी के पाप को माफ किया नहीं और समर्थ मालिक क्या कह रहे हैं कि जन्म जन्मांतर के पापों के गठर को जो तुमने सिर पर बांध के रखा है।